क्यों अपने मंत्री विधायक को भेज रही है, इसका जवाब तो पहले साय साहब ने, हम लोग कभी न तो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई लड़े, न कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़े। इतना बड़ा अपमान करवा दिया कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम जाने लगा। जो प्रदर्शन आज हुआ भैया बलौदा बाजार के हिंसा के मामले में, प्रतिनिधिमंडल भी कांग्रेस का वहां गया था, अभी तक पूरी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, पूरे इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ चल रही है, और उस घटना के जांच के लिए विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के हमारे संगठन को दल बना के, बल बना के, परीक्षण के लिए सबको भेजना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने ही खिलाफ जांच करने के लिए या पक्ष में जांच करने के लिए क्यों संसदीय समिति बना रही है, क्यों अपने मंत्री विधायक को भेज रही है, इसका जवाब तो पहले साय साहब ने, अभी तक तो ऐसा नहीं होता। सरकार है वो, जो चाहे करें, जिसने गलत किया है उसको अंदर करें, जेल भेजें, मगर खुद जाके क्या जांच करें, बल्कि वहां और आक्रोश को बढ़ा रहे हैं, हिंसा की तरफ बढ़ावा इसी कारण हो रहा है, लोगों में अशांति इसी कारण हो रही है। और जो हमारा सद्भाव है, चाहे हम लोग छत्तीसगढ़ में जैसा भी है, हम लोग कभी न तो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई लड़े, न कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़े। अब आपने इतना बड़ा कांड करवा दिया कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम जाने जाने लगा, यहाँ हिंसा का रूप ये ले लिया है कि जिलाध्यक्ष के कार्यालय जलने लगे हैं, पुलिस के मुख्यालय जलने लगे हैं, तो फिर बचा क्या, फिर हमारी सुरक्षा कौन करेगा? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर सब जानते हैं कि 25,000 आदमी के भीड़ बढ़ाने के लिए किसने व्हाट्सएप किया है, खोलो उसका नाम, किसने बुलाया है आपको, किसके कहने से 25,000 आ गए, कोई तो होगा ना, जिसने आयोजन किया होगा, आयोजन करता होगा, मंच बनाने वाला होगा, मंच के लिए व्यवस्था देने वाला होगा, मंच के लिए आर्थिक सहायता देने वाले होंगे, ऐसी थोड़ी हो जाए, उनको पता करें, उनको सजा दें। हम तो ये भी जानते हैं कि वहाँ नागपुर के नंबर की गाड़ियाँ आई थी, हमें तो ये भी पता है कि बहुत सारे गाड़ियों में डंडे लेके लोग चल रहे थे, तो कुछ लोगों को आपने हिंसात्मक बनाने के लिए या हिंसा को भड़काने के लिए बुलाया था, तोड़ फोड़ के लिए बुलाया था, हाथ देने के लिए बुलाया था, ये तो सरकार है, सरकार बताएगी, हम लोग क्या बताएंगे।